हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समाज सेवा टेक। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट आर प्राइवेट ITIs ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-2022 or 2021-2023। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो है नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए निकाला गया है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो ये जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहां से डाउनलोड करके एडमिशन नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप डिफरेंट जो ITIs हैं उनके लिए आप जो है फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने गूगल सर्च बार में टाइप करना है जी ITIadmissions.jkdsd.org, इंटर कर देना है। तो जो ही आप इंटर करेंगे तो उसके बाद जो है आपके सामने ये जो JKDSD का एडमिशन पोर्टल है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जब ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है रजिस्टर न्यू और फॉरगॉट पासवर्ड। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है जी, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको ये जो नीचे वाला बटन है जिस पे लिखा है सेंड OTP, इस पे क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। तो गाइस, यूँ ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है जी, अपना OTP इंटर करना है। 6 डिजिट का OTP होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया होगा उस पर आएगा मैसेज JKDSD की तरफ से, तो आपने वो इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है, क्रिएट करना है पासवर्ड, जो भी आप रखना चाहते हैं अपना पासवर्ड यहाँ पर उसको इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे इसको कंफर्म कर देना है और उसके बाद जो है आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपनी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का जो फार्मेट है वो होना चाहिए .jpg फार्मेट में, और इसका साइज़ जो है ये होना चाहिए 20 KB एंड लेस, ग्रेटर देन 20 KB एंड लेस देन 100 KB, यानी कि 20 KB से आपका फ़ोटोग्राफ ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। अगर इस साइज़ के ऊपर या नीचे हुआ तो फिर ये अपलोड नहीं होगा। तो जब आप अपना फ़ोटोग्राफ रिड्यूस कर लोगे बिटवीन 20 KB to 100 KB तो फिर आपको सिंपली आपको अपलोड कैसे करना है, सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करना है और जिस भी फोल्डर में आपने अपना फ़ोटोग्राफ रखा होगा तो वहां जाके उसको क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम इंटर करना है, यहाँ पे मिडिल नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपना लास्ट नेम इंटर करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना फादर नेम इंटर करना है, फर्स्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम, देन उसके बाद फादर मिडिल नेम और फादर लास्ट नेम। देन उसके बाद आपको ये नीचे जो है यहाँ पे आपको अपनी मदर का नेम टाइप करना है, मदर फर्स्ट नेम, मदर मिडिल नेम एंड मदर लास्ट नेम। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले विलेज और टाउन इंटर करना है, देन उसके बाद तहसील इंटर करनी है, देन उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देनी है। वहाँ आप इंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको जाके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर इंटर कीजिए। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है।
तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद नीचे जो है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, क्या जो है आपको डिसेबिलिटी है, तो अगर आप डिसेबल हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो फिर आपको यस करना है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, किसी भी किस्म की आपको कोई भी जो है डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल टाइप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ से आप जो है एजुकेशन लेवल आपको सेलेक्ट कर लेना है, 8th, 10th और ग्रेजुएट। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है 8th की है आपने पास, तो 8th सेलेक्ट कीजिए। 10th की है तो 10th सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, जेके बोर्ड, CBSE आर अदर। जेके बोर्ड से अगर आपने की है 10th, तो फिर आपको जेके बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो CBSE से किया तो फिर CBSE सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन है यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो फिर आप यहाँ से जो है अदर्स कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं, और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे इंटर कर देने हैं। यहाँ पे वो मार्क्स आपने इंटर करने हैं जो यहाँ पे आपने एजुकेशनल एजुकेशन लेवल जो है आपने सेलेक्ट की है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, ये ऐड करने के बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ जो है अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन 8th, 10th, ग्रेजुएशन तीनों क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है यहाँ से डाल सकते हैं। ये जो है आप इस तरह जो जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आप जो है आप इंटर कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड क्वालिफिकेशन ये फिल करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप 10th की मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, 10th की मार्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और जिस भी फोल्डर में आपने अपनी फाइल्स रखी होंगी वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मार्कशीट आप अपलोड करना चाहते हैं। देन उसके बाद फाइल, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपनी मार्कशीट रखी होगी सिंपली जाके उसको क्या करना है, जाके वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद जो है अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो भी आपने अपलोड करने हैं वो आप इस तरह अपलोड कीजिए। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर। तो गाइस जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो जो है यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी डिटेल फिल करते वक्त कहीं पे कोई एरर किया है, तो अभी फाइनल सबमिशन से पहले आप जो है इसको एडिट भी की कर सकते हैं। ऊपर जो है वो थी पर्सनल डिटेल, और नीचे जो है यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। जो भी आपने क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर की होगी वो जो है यहाँ पे शो हो जाएगी, और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो गाइज एक बात ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और
टेंथ यहाँ पे एंटर की थी, इसलिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मैंने अपलोड की है और टेंथ की मार्कशीट भी अपलोड की है, और आपको डेट ऑफ बर्थ भी जो है अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है आप टेंथ की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है क्या करना है, अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और इसको यहाँ पर आके आपने कर देना है क्लिक, जिस पर लिखा है जी फाइनलाइज योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर लिखा है जी नीचे, प्रोफाइल वंस फाइनलाइज्ड कैन नॉट बी चेंज्ड और एडिटेड। अगर आपने फाइनलाइज योर प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया, अगर आपका प्रोफाइल फाइनलाइज हो गया, तो फिर उसके बाद जो है किसी भी किस्म की आप अपनी डिटेल के अंदर जो भी आपने एंटर की है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो अब हम करते हैं जी अपने प्रोफाइल को फाइनलाइज, क्योंकि जो भी हमने डिटेल फिल की है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइनलाइज योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है जब आप करेंगे उस पर क्लिक, तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा योर प्रोफाइल हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल फाइनलाइज करने के बाद जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आपने यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, जिस भी आप ITI इंस्टीट्यूट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो आप जो है यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया जी गवर्नमेंट ITI मेंटर, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ लिस्ट में आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हैं, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। आप जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ITI जो इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं एक गवर्नमेंट ITI मेंडर और दूसरा गवर्नमेंट ITI पुंछ, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जो जो इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे योर सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे शो होते जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रेफरेंसेस डालने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो भी ट्रेड्स अवेलेबल होंगे, उस जो भी इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया होगा वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको सिंपली वहाँ पे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ITI मेंडर की बात की जाए तो यहाँ पे है जी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। देन उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने वहाँ पे क्या करना, जाके ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एडिट प्रेफरेंसेस फॉर एप्लीकेशन नंबर, ये जी हमारा मेरा एप्लीकेशन नंबर है। देन उसके बाद ये है जो है ये इंस्टीट्यूट का नाम है गवर्नमेंट ITI मेंडर, और उसके बाद ये जो मैंने ट्रेड जिस ट्रेड के लिए सिलेक्ट किया था वो ये है जी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो अब जो है आपको क्या करना है, प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइनलाइज योर प्रेफरेंसेस। अगर आप ज़्यादा प्रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो और कोई प्रेफरेंस ऐड करना नहीं चाहता, तो सिंपली मैं एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, फाइनलाइज योर प्रेफरेंस पर क्लिक कर दें। प्रेफरेंस फाइनलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने
जो है आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करवा लेना है या कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको 100 रुपीज़ की जो 100 रुपी फ़ी जो है वो आपको जिस भी ITI के लिए आपने अप्लाई किया है उस ITI के अंदर आपको 100 रुपी जो है फ़ी देनी है, और वहाँ से रिसिप्ट लेके इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको वहाँ पे जाके अपने अपने ITI में सबमिट कर देनी है। तो गाइज़ यहाँ पे भी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ डीलिंग असिस्टेंट, ये डिटेल जो है आप देख लीजिए, और उसके उसके बाद ये जो है यहाँ पे फिल कीजिए। रिसिप्ट आप जो है ITI कंसर्न रिस्पेक्टिव ITI से बनवा लीजिए, वहाँ पे 100 रुपीज़ पे कीजिए, और आपको उसके बाद वहाँ से रिसिप्ट दी जाएगी, और उसकी डिटेल भी यहाँ पे एंटर कीजिए। देन उसके बाद रिसिप्ट साथ लगा के इसके आप जो है रिस्पेक्टिव ITI के अंदर जो है अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आज की वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।